आप कुछ करो, हमने कुक किया है क्योंकि हमारे साथ हीरा है, हमारे साथ एक छोटा बच्चा है जिसके वजह से हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। देख लो हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट व्हाट एवर द टाइम इट इज़ व्हेन यू वॉचिंग द वीडियो। आज हमारा वो टाइम है जिस दिन हमारे ईरा ने 2 महीना कंप्लीट किया है एंड वी आर ऑल्सो ट्रैवलिंग। सो 26th of May is when we are traveling and it is gonna be as promised the AC1 coach of Jaipur to Kolkata। ये मैंने बहुत पहले आपको promise किया था कि हम लोग AC1 का review करेंगे। हमने second seating का भी किया है, हमने इससे पहले third AC का भी किया है और ये होने वाला है हमारा first AC का coach। ये देखो हमने एंट्री मार ली है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, प्लीज़ बने रहिएगा। इसमें मैंने सारा कुछ कवर किया है A to Z। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर चैनल। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, एज यूजुअल हमेशा मैं प्रॉमिस करता हूँ और वो आपके लिए निभाता हूँ। मेहनत करके, मशक्कत करके, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जग के मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो फुटेज लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि क्या मस्त, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स बना लो भैया, फिल इन द ब्लैंक्स। समझ नहीं आता मुझे कि क्या मज़ा दिया इंडियन रेलवेज़ ने फर्स्ट एसी के टिकट में, जहां हमने बुक किया था कूक और हमें मिला है 4 लोगों के साथ शेयरिंग। चलो वो तो मैं बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको चलो एक छोटा सा सर्कल, एक छोटा सा हिस्सा दिखा देता हूं। देखो ये एंट्री हुई, लगा ना जैसे सेकंड एसी है। ये सेकंड एसी है मेरे भाई, और इसके साथ हमारे पास एक डब्बा है H1 वाला डब्बा जिसमें हमने बुकिंग कर दी है। जबकि ये वाला जो ये डब्बा है जो बी सेक्शन है, ये सिंगल है। हमने कूप सेलेक्ट भी किया था, हमने TT साहब को भी बोला कि भाई साहब आप कुछ करो, हमने कुक किया है क्योंकि हमारे साथ ईरा है, हमारे साथ एक छोटा बच्चा है जिसके वजह से हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए क्योंकि हम लोगों को परेशान भी नहीं करना चाहते और ख़ुद भी परेशान नहीं होना चाहते और बच्चे को भी परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं रहा, हमको 4 लोगों के साथ शेयरिंग दे दिया है और अभी फ़िलहाल ये है कि हमें ये सीट लेनी पड़ी क्योंकि हमने 4,000 रुपये खर्चा किया है प्लस टैक्सेस। कि 4,000 में थोड़े और टैक्सेस जोड़ दो ना तो आपको ये पूरे दिन का हैसल इतना परेशान होने से अच्छा है आप फ्लाइट की टिकट लो और फटाक से पहुंच जाओ कहीं पे जहाँ पे आपको जाना है बहुत कम समय में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, इसके आगे की और वीडियोस में बताऊंगा इसके आगे और क्या क्या मेरे को एक्सप्लोर हुआ। हम अभी पूरे 24 घंटे इसी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं। मैं आपको वॉशरूम्स की भी हालत दिखाऊंगा कि कैसी है क्या नहीं है। मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है, देखो मैं सिर्फ अंदर से ही दिखा रहा हूँ, अभी तक बाहर गया नहीं हूँ। लेकिन आपको दिख रहा है ये जो लाइन से बन रही है, ये पता नहीं किस चीज़ की लाइन बन रही है, मैं अभी तक गया नहीं हूँ। थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही है, तबीयत थोड़ी सी नासाज है मेरी और उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद जाऊँगा। हमने और भी वीडियोज़ बनाए हैं सेकेंड सेटिंग की, जो विदाउट AC जनरल क्लास की, आपको ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसी ट्रेन की जोधपुर हावड़ा में ही हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग यूजुअली जोधपुर हावड़ा में ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इस चक्कर में जोधपुर हावड़ा की ही हमें बुकिंग मिली इस बार भी और हमने इसी में करा लिया। और सब ट्रेन की बुकिंग मेरे को नहीं मिल रही थी फर्स्ट AC की, हमने आपको थर्ड AC का भी करके बताया, थर्ड AC में क्या सुविधाएँ हैं, कैसी साफ सफाई क्या है क्या नहीं है, अच्छा लगा बुरा लगा सब कुछ। एक सेकेंड AC रह गया है, मुझे लगता है सेकेंड AC में मैं कवर कर लूँगा क्योंकि आप लोगों को जो भी दिख रहा है ना यहाँ से, जो अभी आप देख रहे हो ये सामने जो दिख रहा है वो सेकेंड AC ही है, बस पर्दे लगे हुए हैं और इनमें आपको स्लाइडिंग डोर्स लगे हुए हैं जिसको आप खोल के एंटर बाहर कर सकते हो। कूप मिलता तो और मज़ा आता, लेकिन ठीक है क्या करें, अब नहीं मिला तो आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें कमेंट करके बताओ कि क्या अच्छा लगता है हमारे वीडियोस में, क्या बुरा लगता है और हमें क्या और ऐड करना चाहिए, क्या और एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहिए ट्रेन के मामले में। उसके अलावा और जो वीडियोज़ हैं वो सब देख के भी आपको अगर कुछ और बताने का मन करे, कोई और कमेंट करने का मन करे, ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए चलो आगे देखते हैं कि हमें जो सुविधा मिली है, जो सीटिंग अरेंजमेंट मिला है, जो हमें रहने के लिए इन 24 घंटे के लिए हमें जो 4,000 रुपये जो हम शायद किसी होटल में खर्च करके रह सकते थे और अच्छा खासा कमरा मिल जाता है भाई होटल में, तो उस कमरे के हिसाब से या फिर उस हिसाब से हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती है हम ज़रूर बताएंगे आपको आगे आने वाली वीडियो में। ये है दरवाज़ा जिसमें पर्दा लगा हुआ है, आप बंद कर लो इसको, प्राइवेसी ये है। अब कूप में हमें आइडियली दो मिलने चाहिए थे, एक और दो, पर हुआ क्या, हमें ये भी मिले। भाई साहब सुबह से हैं हमारे साथ और यहाँ भी वैसे अभी फ़िलहाल ये खाली है, कोई ना कोई आ जाएगा, नहीं आए तो अच्छा है क्योंकि तभी हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ ठीक है प्राइवेसी के नाम पे एक बंदा था चलेगा, बट और एक बंदा आ जाएगा तो आप देख रहे हो कितनी सी जगह है, थोड़ा कंजेस्टेड नहीं हो जाएगा सेकंड एसी में? मतलब मान लो सेकंड एसी है तो ये जो दरवाज़ा है, ये पर्दा हटा दो, ये जो दरवाज़ा है इस दरवाजे से मान लो ये थोड़ा सा और पीछे करके और इसी एडजस्टमेंट में, मतलब बोगी तो बढ़ाएंगे नहीं, तो इसी एडजस्टमेंट में एक साइड वाला जो सीट रहता है वही है, बाकी और कुछ नहीं है, कंजेस्टेड सा ही है। अगर मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे, मैं आपको कैमरा घुमा करके दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो देख रहे हो मेरी हाइट होगी कुछ 5'10" के पास, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली बैठूँ तो मुझे झुक के बैठना पड़ रहा है, मैं ठीक से नहीं बैठ पा रहा हूँ, इससे अटक रहा है मेरे, ठीक है। अंदर जाके थोड़ा झुक के बैठो तो आराम से बैठ सकते हैं। एसी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है, स्विचेस दे रखे हैं यहाँ एक यहाँ एक, चार स्विचेस दे रखे हैं कि चारों सीटों को कवर हो जाए कि हाँ भाई किसी को सीट की ज़रूरत नहीं। अच्छा क्या डिफरेंट मुझे मिला यहाँ पे, ये हुक्स हैं कपड़े टांगने के लिए, लेकिन क्या बेकार चीज़ है ये जो है ना, ये चीज़ें सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो घुसते ही साइड में, और हमने वो कोने में सामान रखने के लिए यूज़ कर लिया है क्योंकि और कोई जगह नहीं है। ये एक छोटा सा दिया हुआ, ये लोग बड़ा दे सकते थे, इतना पैसा ले रहे हो यार, थोड़ा और बड़ा दे सकते थे इस चीज़ को। अच्छा ये सीढ़ियाँ दे दी हैं और यहीं पे कपड़े टांगने का भी दे दिया, ये हुक्स थे। अब बंदा सीढ़ी चढ़ेगा तो कपड़ा गिरेगा नहीं, एक्चुअली मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इतनी बड़ी जगह दी है आपने, 4,500 बुक करते टाइम ले ले रहे हो, आपको कहीं भी कोई भी डस्टबिन दिख रहा है? एक भी डस्टबिन नहीं। सीट्स थोड़ी बड़ी हैं, एक चीज़ ये है कि सीट्स आपको फैली हुई सी थोड़ी सी बड़ी मिल जाएगी, सेकेंड एसी से थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा ज़्यादा 1 इंच शायद, उससे ज़्यादा नहीं। सामान है हमारे पास, सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी वो लगी कि हाँ ठीक है कि मेरे को क्या 10 लोगों के साथ इन टच नहीं रहना पड़ेगा। दरवाज़ा बंद कर लिया हमने, एक बार दरवाज़ा बंद कर लिया, हमारे को पर्दा लग गया, हम थोड़े से इंडिविजुअल हैं, लेकिन मैं वो चाह रहा था क्योंकि इन लोगों ने कूप का सिस्टम बोला था तो वो कूप का सिस्टम होना चाहिए था। कूप में होता यह है कि आप अलग से अपने एक केबिन में हो जहाँ पे आप जिसके साथ भी हो, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके स्पाउस, आपके गर्लफ्रेंड, जिसके साथ भी हो, फैमिली के किसी के साथ भी, दो लोगों का, वो लोग आराम से एक प्राइवेसी एक पर्दे के अंदर और बिना ह्यूमन टच के वो मतलब एक आराम से एक, क्योंकि हमारे साथ बच्चा है तो बच्चा क्या अभी रोता है या फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो वो रोएगा तो हमको फिर से उसको बच्चे को उठा करके बाहर लेके जाना पड़ेगा। वो चीज़ अवॉइड करने के लिए कि हमें अगर सेकंड एसी में जाना पड़े और बच्चा रोने लग जाए या बच्चे को अनकम्फर्टेबल हो तो एक ऐसी जगह रहे ना कि अपन उसको कम्फर्टेबल फील करा सके और अपन भी थोड़ा एडजस्ट कर सके, लेकिन बाकी लोग एडजस्ट नहीं कर पाते उस चीज़ की वजह से हमने कूप सेलेक्ट किया। लेकिन भाई जो लोग भी यूट्यूब में ये वीडियोज़ बना रहे हैं ना कि भाई कूप में ये हो जाता है वैसा हो जाता है, ये सेलेक्ट कर लो तो हो जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। कूप सेलेक्ट करोगे तो भी वो लोग आपको लास्ट मोमेंट में ही कंफर्म करेंगे आपकी सीट नंबर्स और सारा कुछ, और उस चक्कर में फिर
आता है जाता है। अच्छा, ये जो आप अलग से कुछ देख रहे हो, ये लाइट्स हैं, सबको दी हुई है। एक तो ये दो, ये ऊपर वाले सीट के लिए, यहाँ तीन जो नीचे वाला सीट है, ये चार दे दी गई हैं। ये सीढ़ी अगेन इस साइड के लिए, बहुत डिफरेंट कुछ नहीं है, ठीक है। एक नीचे ऊपर ये सीढ़ियाँ, सेम टू सेम आपको खिड़की मिल जाएंगे, पर्दे मिल जाएंगे, पता नहीं कब के धुले हुए हैं ये पर्दे। आपको एक आईना मिल जाता है डेफिनेटली, आप अपना चेहरा देख सकते हो। क्लीनलीनेस के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, जब से मैं आया हूँ एक बार ही क्लीन करने के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि कचरे का डब्बा एक भी नहीं है, मुझे उतना मज़ा नहीं आया। और ये आपको मिल जाता है कोल्ड डाउन के लिए इन केस ऑफ एमरजेंसी। ये चीज़ मुझे एक्सप्लोर करना बाकी है, ये कुछ अलग है, कोई वॉल्यूम कुछ है, समझ नहीं आ रहा क्या है। अगर आप लोगों को पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये देखो, इसमें भी एक घंटी का ऑप्शन है, ये घंटी क्या है? ये घंटी अगर आपको पता है तो बताना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मैं बजा दूँ और कुछ हो जाए, कोई इमरजेंसी का बेल हो, पता नहीं, देखते हैं, पूछते हैं आगे और लोगों से पूछेंगे। मुझे यहाँ पैंट्री कार्ड में भी काम होगा तो मैं उसमें भी जाऊँगा, तो जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा आगे आने वाले वीडियो में। और आगे शूट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ वॉशरूम भी शूट करना है कि भाई वॉशरूम कैसा देते हैं ये लोग। एक और चीज़ कि यहाँ बैठा हूँ मैं, और क्योंकि A12 मिला है हमें, भले ही ये एक डोर है जो एक स्लाइडिंग डोर है, लेकिन स्लाइड करते ही अगर आप देखो ना, ये देखो डोर, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले आपको इस वीडियो में लिख के गया था कि इस साइड जाते ही आपको सेकेंड एसी मिलेगा, और इस साइड से लोगों का खूब आना जाना है, बस बहुत आना जाना है। तो ये सेकेंड एसी वाले वहाँ से, और पता नहीं चाय कॉफ़ी वाले सब लोग बहुत ज़्यादा आना जाना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत हैं बराबर से। अच्छा, दरवाजे को लॉक करने के लिए हमारे पास ऊपर एक, अच्छा जहाँ तक मुझे एसी का समझ में आ रहा है, ये शायद ऑटोमेटिक है क्योंकि ये बार बार ऑन ऑफ होता है, तो ये सेंस करता है कि अंदर क्या टेम्परेचर चल रहा है और उस हिसाब से ये ऑन ऑफ होता है। और जैसे घर का एसी चलता है कि थोड़ी देर में वो कम हो जाता है, फिर वो हाई कूल करने लगता है जैसे ही सेंस करता है कि जो है टेम्परेचर डाउन जा रहा है कुछ ऐसा। तो ये तो देखो डिटेल था कि भाई अंदर हमें क्या मिला, अंदर क्या फैसिलिटीज़ मिली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाइट्स है एक्स्ट्रा में, मेरे को लाइट्स दिखे, ये एक दरवाज़ा विद कर्टन, जो कि सेकंड एसी में आपको कर्टन मिलता है, नो दरवाज़ा, ये एक बटन है जिसका अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला। एक चीज़ हमें मुझे ये देखने को मिली है कि हर 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर एक कोई ना कोई बंदा आता है और साफ़ करके या साफ़ करने के लिए पूछता है एटलीस्ट कि कोई कचरा है तो आप दे दो। देखो अभी एसी बंद हो गया है ना, तो अभी देखो ठंडा के अंदर, और जैसे ही थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जैसे सेंस करेगा कि हाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, मतलब रेज हो रहा है, वो अपने आप फिर चालू हो जाएगा फुल फोर्स से। इस तरह से एसी काम करता है, जो कि मुझे लगता है कि थर्ड एसी में या फिर सेकंड एसी में एक कंटिन्यूस फ्लो रहता है, जो कि ऑपरेटर डिसाइड करता है कि कितना फ्लो रखना है, और वही ऊपर नीचे उस चीज़ को करता है। फिर से चालू हो गया, मुझे नहीं पता कि आपको कितना सुनाई दे रहा है एसी की आवाज़ चालू बंद होने की। तो अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है तो ज़्यादा बार चालू बंद हो रहा है, और इससे पहले थोड़ा टाइम लग रहा था, जैसा टेम्परेचर होगा उस हिसाब से। अब मैं आपको लेके चलूँगा वॉशरूम की तरफ, थोड़ा सा दिखा के लाऊँगा कि वॉशरूम कैसा है। देखो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। वॉशरूम जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एरिया और दिखा देता हूँ जो मुझे बेकार लगा, ठीक है, जो कि है ये, बिल्कुल सेम टू सेम है। इतनी तक आतेगी, जैसे ये हमारा कॉरिडोर है, और छोटा सा कॉरिडोर है, ABC तीन कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और आपको ये हो गया ABC, और उसके बाद दरवाज़ा बंद। तो फर्स्ट एसी में तो बस यही तीन चीज़ें, तीन मिलते हैं, इसके अलावा नहीं मिलता। और जैसे आप इसके बाहर जाते हैं वैसे आपको स्मेल आने लगेगी, ठीक है।
लोगों का आना जाना खूब है कि इधर पीछे सेकंड एसी है और वो लोग उस तरफ कम और इस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद लोगों को अच्छा लग रहा है इस तरफ ना, क्योंकि इधर केबिन के अंदर भी आपको एसी मिल जाता है। बाकी जो यहाँ पे एसी चल रहा है तो इसके बाहर जैसे ही जाता हूँ ना, मुझे वॉशरूम की स्मेल आने लगती है, बेकार सी स्मेल आती है। और जैसे क्या इमेजिन करवाऊँ मैं कि आप किसी पब्लिक टॉयलेट में चले जाओगे, उस तरह की स्मेल आती है। जितना वर्स समझ सकते हो उतना वर्स इमेजिन कर सकते हो। अच्छे आते हैं यहाँ पे, कर्टन हटाओ तो जैसे आपको अगर शाम को यहाँ खड़े होना है तो आप दरवाज़ा खोल के खड़े हो सकते हो, थोड़ी देर के लिए टाइम पास कर सकते हो। सेकेंड एसी के लिए लोग आना जाना खूब है यहाँ पे, ऑल टाइम आपको लोग आते जाते हुए मिल जाएंगे। सब अपने अपने कामों से, वॉशरूम या किसी और काम से आना जाना करते हैं। और ये जो दरवाज़ा खोल के ये जो बंद कर रहा है ना, ये जो आवाज़ है टक टक टक, ये बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, परेशान करके रखता है मुझे तो, मेरे को नींद नहीं आ रही है तो वैसे। एनीवेज मैं जिससे बता रहा था कि ये जो बाहर का मैंने एरिया बताया, यहाँ थोड़ी देर भी जाओ ना आप, आसपास में भी रहो ना, आप स्मेल यहाँ से देखते हो। मैं दरवाज़ा खोलते जैसे ही बाहर आया ना मैं यहाँ से, एक तो गर्मी स्टार्ट होगी डेफिनेटली और स्मेल और गंदी हो जाएगी, बहुत ही बेकार स्मेल है यहाँ पे, एक बहुत ज़ोर की आवाज़ है। ये दरवाजे हैं, मैं वॉशरूम्स के अंदर गया नहीं अभी तक, सेम टू सेम मिलता है भाई। थर्ड एसी में शायद थोड़ा और गंदगी होगी आसपास में, यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई, मतलब फ्लोर को क्लीन रखा है कि पेपर या गंदगी आपको ना दिखे। इसको थोड़ा खाली रखा गया है कि अगर कोई आ रहा है, कोई कुछ फेंकना चाहता है तो वो फेंक ले यहाँ पे। और वॉश बेसिन में पानी है, मैं इसको टच नहीं करने वाला, बहुत ही अनहाइजेनिक सा दिख रहा है। वैसे तो वॉश बेसिन भी अनहाइजेनिक सा ही दिख रहा है, बट ठीक है, मैंने क्योंकि वॉशरूम तो उसको यूज़ किया था। देखो ये भैया आएंगे और साफ कर करके जाएंगे, तो ये थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं। मुझे पता नहीं कि वो खुद वॉशरूम में आए थे। अच्छा, ये चेकिंग चल रही है भैया की, ये चेक कर रहे हैं कि अगर गंदा है तो वो साफ कर देंगे। अरे वहाँ खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है, एक तो गर्मी है, ऊपर से बदबू और आती है, तो वो चीज़ है। अपन तो अंदर ही रहें तो ये अच्छा। ये पैसे भरे इसी में तो रहो। बाकी जो हमारा ये स्लीपिंग एरिया है, जो जहाँ पे अपन रुके हुए, मतलब रुके हुए बोलूँगा कि 4,000 दे करके आपको जितना एरिया मिलता है, काफ़ी कम है, काफ़ी छोटा है, काफ़ी फैसिलिटीज़ कम है। दो तीन घंटे में बंदा आ तो रहा है लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आ रहा है। फ्लोर एक बार साफ़ करने के बाद उतना गंदा नहीं होता है जब 3 या 4 लोग रहते हैं तो वो बात है कि अगर थोड़ी और फैसिलिटीज़ दी जाए ना, जैसे वाईफाई जो कि यहाँ कैच नहीं हो रहा, 110 की जगह ज़्यादा वोल्टेज देना, सीढ़ियाँ बेटर करना, साफ़ सुथरा और रखने की कोशिश, क्योंकि देखो गंदगी तो दिख रही है, फिर भी है बहुत जगह है, गंदगी बहुत जगह है। अब देखने वाले कोई पता चलेगा, अगर खुद आके देखो तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि गंदगी कहाँ कहाँ और कितनी कितनी है। तो यहाँ एक साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा जा सकता है। और बाकी आप लोग कमेंट करो कि आपको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए इस चीज़ को सुधारने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट खूब पैसा चार्ज करती है हमें, जितना पैसा हम शायद फ्लाइट में दे तो बहुत जल्दी पहुँच जाएँ। उसके बाद
अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस का कोई भी फर्स्ट एसी रिव्यू हमने नहीं देखा है, तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आज आपको मैं पहली बार इन यूट्यूब चैनल्स और वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको लेके जा रहा हूँ फैंसी कार के अंदर जो कि ट्रेन में होता है। देखो कैसे पकाते हैं, खाना वाना जैसे बनता है हमारा, कहाँ से पैक होके आता है। तो ये छोटा सा एक वीडियो बनाया, उसके बाद इन लोगों को आपत्ति हो गई कि भाई हमारे वीडियोज़ मत बनाओ, फिर भी मैंने मैनेज किया इस वीडियो को आप लोगों के तक लेके आने के लिए। तो इस वीडियो को और आगे तक देखिए पूरा रिव्यू जानने के लिए, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई रात के 12:30 हो रहे हैं, दिन भर में मैं बहुत सोया। एक छोटा सा फुटेज हमने यहाँ से सीधे चले जाओगे अगर टूवर्ड्स योर लेफ्ट, गेट से निकलने के बाद टूवर्ड्स योर लेफ्ट अगर आप चले जाते तो आपको मिल जाएगा पैट्रिक कार। और वहाँ से हमने खाना वाना जो भी लिया था वो लिया था। तो ये वो मशीन सेक्शन जहाँ पे आपका, वैसे तो हमारा ऑटोमेटेड है, जो फर्स्ट एसी का होता है वो ऑटोमेटेड होता है, बाकी का कंट्रोल्ड होता है। जैसे भी कहा था कि भाई साफ़ सफाई का देखेंगे, साफ़ सफाई के मामले में उतना भी साफ़ नहीं है, बस इतना सा पोर्शन साफ़ है, बाकी फिर आप देख लो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो सेकंड एसी का लग जाता है, सेकंड एसी की बोगी है। और वहाँ गंदगी देख लो, कचरा देख लो, थोड़ा सा और आगे जाके दिखा दो प्लास्टिक के, ठीक है, क्योंकि अपन फर्स्ट एसी में ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ फर्स्ट एसी का ही कवर करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सेकंड एसी वाले टॉयलेट्स दिखाऊँ और आपको लगे कि नहीं यार गंदा है या साफ है जो भी है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट एसी का जो है टॉयलेट। सफाई के मामले में ठीक ठाक है। देखो दीवारों पे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि दरवाजे पे कुछ लिखा रखा था रिकॉल चूक का नंबर और ये वो, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं और डोर्स ठीक ठाक हैं, वर्किंग कंडीशन में। पानी नहीं टपक रहा है, पानी आ भी रहा है, ये मैं पलट के देखना नहीं चाहता क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें क्या भरा हुआ है, इसको दबाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास से हाइजीन के लिए मुझे सही नहीं लगता। और बाकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, अगर आप देख लो नीचे भी टॉयलेट इज़ क्लीन। मैं ज़बरदस्ती या जानबूझ के रात को आया हूँ कि पता चले कि भाई गंदगी होती है कि नहीं होती है। तो ये इंडियन वाला था एंड आई विल टेक यू द वेस्टर्न वन, बट वेस्टर्न वाला लॉक ठीक है। एनीवेज जैसे कि मैंने कहा कि साफ सुथरा ही है, इतना भी बुरा नहीं है। सुबह इसमें से स्मेल बहुत आ रही थी, शायद बाद में इस पर सफाई की गई है, लोगों ने कंप्लेंट किया होगा या फिर इन लोगों को खुद की सफाई का है। अच्छा ये जो यूज मी है ये टाइम टाइम पे साफ होता रहता है, नॉट क्लीन बट ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी भी बार मैंने कचरा फेंका है मैंने देखा नहीं। अच्छा देखो ये चीज़ें जो है अभी रात को दिख रही थोड़ी बहुत, क्योंकि गई नहीं है, साफ नहीं हुई है, ठीक है, बाकी तो ठीक ठाक है। तो अंदर चलते हैं, अभी के लिए इसको लॉक कर दूंगा। क्योंकि अंदर बच्चा है। अच्छा रात का जो जो लाइट है, लाइटिंग का सिस्टम आप देख लो, एसी अगेन आपको सुनाई दे रहा होगा, ये अब अभी नाइट लैंप चालू है और इन केस यूर बीइंग डिस्टर्ब्ड, मैंने आपको कोई काम है या फिर नहीं है कुछ भी है, तो लाइटिंग जो लगा रखी है वो ठीक ठाक पोजीशन पे लगा रखी है। अभी देखो यहाँ ये काम कर रही है, बेबी वॉकिंग कर रही है, जो भी कर रही है, ये लाइट वैसे चालू है अभी और लाइट ठीक ठाक इस पर पड़ रहा है, इसके वजह से दूसरे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, लाइट जो है ठीक ठाक पड़ रहा है और कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। सेम मैंने अपने पोर्शन में भी लाइट जला रखा है,
एंड यू कैन सी सिर्फ ये पेट पे लाइट थ्रो करता है और कहीं लाइट थ्रो नहीं करता, और उसकी वजह से कोई और डिस्टर्ब भी नहीं होता। यहाँ पे लोग सो रहे हैं, इनके यहाँ ठीक ठाक अंधेरा है, ये ऊपर सो रहे हैं इसीलिए ये वाली रोशनी इन पे जा रही है, अदरवाइज इट इज़ डिफरेंट। तो यही था, रात को ऐसा दिखता है, देख लो। सफाई इन लोगों ने जो पहले आहा के पूछ रहे थे वो करना बंद कर दिया, क्योंकि देखो अभी हमने कचरा जमा कर रखा है। बट लेने कोई नहीं आया तो, बट हाँ बाहर जो मैंने यूज़ में दिखाया था वो साफ हो रहा है टाइम। तो मुझे लगता है कि इतना ही था, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को अगर ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं, या आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जो भी आपको लगता है, जैसे भी बोलना चाहते हैं, कुछ और करवाना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूर बताइएगा। गए भैया, ट्रेन गई हमको छोड़ करके, हम आ गए बर्धमान स्टेशन पे, हावड़ा जोधपुर। स्टेशन पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, दिनेश आएगा तब जाएंगे। बेबी सो रही है, अभी अभी दूध पिया है, टेंशन नहीं है, 5:30 बजे तक अभी रोएगी नहीं है, हाथ दिखा रही है कि बस बहुत करो, टेंशन मत दो, बैठो आराम से चाय वाय पियो, ठीक है बेटा, ओके ठीक है। तो अपन अभी चाय वाय पियेंगे और दिनेश का वेट करेंगे, और दिनेश आएगा।